करारी हार, 10 विकेट से करारी हार। सपना विश्व कप का, 135 करोड़ भारतीयों का सपना। 9 साल हो गए, हम भारतीय अभी भी यही सपना देख रहे हैं। कहां तो हम विश्व कप जीतने का सपना देख रहे थे और अब फाइनल में भी नहीं पहुंचे। 9 साल से हम कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाए। पहले टीम विराट तो अब टीम रोहित हम भारतीयों के सपने को चकनाचूर कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम भारतीय ये नहीं समझते कि ये एक गेम है और इसमें कुछ भी हो सकता है और लग भी एक बड़ा फैक्टर होता है, पर इस तरह की हार, 10 विकेट से हार, ऐसे कोई हारता है? ऐसे कोई हथियार डालता है? ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अफगानिस्तान ने भी हथियार नहीं डाले थे। और अगर ऐसी हार मिलनी थी तो विश्व कप जीतने के बड़े बड़े दावे क्यों किए गए? कहां चली गई रोहित शर्मा और केएल राहुल की ओपनिंग साझेदारी? इस विश्व कप में तो दिखी नहीं, कब दिखेगी? क्या केवल आईपीएल में, जो केवल और केवल पैसों के लिए खेला जाता है? खेल तो हम भारतीयों की भावनाओं के साथ खेला गया है। कोच राहुल और कप्तान रोहित की जोड़ी ने मैच तो हरा ही दिया, हमारी भावनाओं को भी रौंद दिया। अरे ऐसे कोई हारता है भला? क्या हम केन्या और जिम्बाब्वे जैसी टीम है? लेकिन अब हमें मान लेना चाहिए कि हमारी टीम केन्या और जिम्बाब्वे के बराबर है। कभी पिच का बहाना तो कभी फिटनेस का, तो कभी ना जाने क्या क्या बातें और दावे किए जा रहे हैं। इस पूरी टीम को टीम इंडिया में क्यों रहना चाहिए? क्या हक है इनको टीम में रहने का? क्यों बीसीसीआई इन पर पैसे लुटाए? क्यों नहीं पूरी टीम की ओवरहॉलिंग कर देनी चाहिए? कुछ समय लगेगा लेकिन टीम में जो बाबागिरी का कल्चर है वो तो खत्म हो जाएगा। नई प्रतिभाएं आएंगी तो अगले विश्व कप तक तो टीम के हालात सुधर सकते हैं। नहीं भी सुधरे तो कम से कम 10 विकेट से हार तो नहीं दिखेगी। टीम इंडिया माफ करो, ऊंची दुकान और फीके पकवान हमने बहुत देख लिए। अब जरा अपने गिरबान में झांकिए, आप लोगों ने पाप किया है, पाप। रायता तो आप लोगों ने फैला ही दिया, अब देखना यह है कि बीसीसीआई कैसे इस फैले हुए रायते को साफ करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया है।